सैयदना इमाम अली मकाम आपका भतीजा इमाम कासिम मैदान करबला के अंदर शहादत तजाम नोश करने वास्ते तैयार हो गए ने। लोगों मुसलमान तवज्जो करना, एक एक करके नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, तीस नहीं, दो सौ नहीं, एक हजार का मजमा लैके एक आदमी सामने आ जाए। इमाम कासिम वल तीर की बरसात की थी, नेजे मारे ने। आखिरकार इमाम अली मकाम दे आप दे भतीजे ने आवाज दी, या अम्मा अपने अपने भतीजे उठाया, सीने न लाया, पर मैं आप खैमे वाल लैके गए ने। जो खैमे वाल लैके गए ने इमामे कासिम ने आखिरी सांस भरे आए। इमामे कासिम ने अख खोली, अपने आका हुसैन नु वेखिया, वेख दे मुस्कुरा, फरमाया चाचा जान राजी हो? फरमाया मैं भी राजी हाँ, हसन भी राजी ने, अली भी राजी ने, अम्मा फातिमा ज़हरा भी राजी ने, नाना मुस्तफा भी राजी। ओ वेखो जन्नत इक हौक, फरमाया कौसर दा हौज, कौसर दा जाम लैके खड़े हुए ने। इमामे कासिम की शहादत के बाद अली अकबर की वारी आ जाती है, अली अकबर मैदान के अंदर गए ने, आपका मुकाबला होया है। आप फरमाया लोगो बेवकूफ, असी कौन है? असी अहले बैते मुस्तफा है, ये मेरे वल वेखो, मैं अली इब्ने अली, मैं अली हूँ, मेरा नाम अली है। फरमाया मैं किसका बेटा हूँ? मैं फरमाया हुसैन का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ। हुसैन बोला अली का बेटा है, हम अहले बैत हैं, आओ मेरा मुकाबला करो। इमाम अली अकबर की शहादत जब हो रही है, चारों तरफ से नेजे हैं, चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं, और इमाम अली अकबर आप परे के परे काट कर गए बाबा जान के पास गए। बाबा जान अल आतिश प्यास लगी है। एक रिवायत में आता है अली मुर्तजा ने अपनी अंगुश्तरी आपके मुंह में रख दी, फरमाया बेटो बेटा जाओ, आवाज आ रही हल में मुबारिस। फिर गए, फिर दोबारा आए, फिर मौला अली ने आपने फिर दुआ की, अपने सीने से लगाया। दो मरतबा अली अकबर वापस मैदान के अंदर आए हैं, बाबा जी की आए तो ज्यारत करने थे कि मैं बाप का चेहरा देख लूं। उधर से मुकाबले में कोई नहीं आता था, तो फिर इब्ने साद ने चाल चली, उसने कहा जल्दी करो, चारों तरफ से इस नौजवान को घेर लो, क्योंकि ये तस्वीर मुस्तफ़ा थे, हम शक्ल मुस्तफ़ा थे। उन जालिमों ने देखा और कई लोगों की चीखें निकल गईं, ये तो मुस्तफ़ा की तस्वीर आ गई है, जिनका कलमा पढ़ते हैं। हालांकि वो लोग नमाजी भी थे, वो लोग जुमा पढ़ने वाले थे, जुमा का दिन था, जैसे आज जुमा का दिन है, इमाम की शहादत जुमा के दिन है। हिजरत हिजरी 61 है, मुहर्रम की 10 तारीख है, इत्तेफाकन जुमा का दिन था, नमाजी थे, और कहने लगे जल्दी फरागत करिए, हम नमाज पढ़ेंगे। ये इनकी नमाज है कि जिन्होंने इमाम हुसैन, जिनके घर में शरीयत आई, जिनके घर से कुरान मिला है, उनको शहीद कर रहे हैं, उनके बच्चों को शहीद कर रहे हैं, फिर वो कहें जी हम नमाजी हैं। आज कोई नबी की शान में गुस्ताखी करके कहे हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम नमाजी हैं, नमाज उनके मुंह पे मारी जाएगी। जो गुस्ताखी रसूल होगा, न उसकी नमाज कबूल है, न हज कबूल है, न रोजा कबूल है, न जक़ात कबूल है। जो हुसैन का दुश्मन है, न उसकी नमाज कबूल है, न उसका रोजा कबूल है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। फरमाया इन्नल लजीना युजून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ईजा देते हैं, उन पर खुदा की लानत है। इमाम हसन रजा ने फरमाया अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जल के घर में जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। इमाम अली मकाम ने लाल उठाया,
सीने नाल लाया है, जदों सीने नाल लाया है बर्चा सीने दे अंदर लगा होया है, बर्चे नूं निकाला है। इमाम अली अकबर फरमाया आपने वालिद साहब दा चेहरा वेख्या है, वेखते फिर मुस्कराया ने, कहंदे ने बाबा राजी हो गए हो बेटा? हाँ मैं राजी हाँ, बर्चा निकाला है। इमाम अली मकाम दे नाल आप दे लाल दी शहादत हो गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैह राजिऊन। लोगों जिसका बेटा जाता है उस बाप को पता होता है, ओदियां कबरां टुट जांदियां ने, ओदियां कबरां टुट जांदियां ने। फरमा दे ने अलाना इनका सराजारी, लोगो मेरी कमर टूट गई, लोगो मेरी कमर टूट गई। फरमा साबिर थे, इमामुस साबिरीन थे, सैयदुस साबिरीन थे, आपने सबर किया और अल्लाह की राह में अपना जवान 18 साल या 17 साल की उम्र का बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान किया और क्या कहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी सदा में एक आदमी का गुजर हुआ तो उसने देख कर कहा आपका चेहरा कि आप कौन लोग हो, आपका तारुफ क्या है? तो तर्जमा कर देते हैं, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, क्योंकि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना। फरमान को मुर्दे ना कहो ये जिंदा है, बोलो क्या है? अली अकबर का सर अनवर काट लिया, अलियाज बिल्ला इन्ना लिल्लाह। म्याम कासिम का सर पाक काट लिया, बेगौर कफन सामने उस खैमे के पास ले आए इमाम, उठाकर एक एक को उठाकर अपने खैमे के पास रखते गए, लाशों के अंबार लग गए। हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, हुसैन मकसूम दीन व ईमा है, हुसैन मफहूम हल अता है, हुसैन उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं वो जवान है, हुसैन बूढ़ा नहीं जवान है। देखो ना बड़े से बड़े दिल वाला बंदा होना, अपने बेटे को इस हाल में देखे तो उसका जिस्म तड़प कर रह जाएगा, बेहोश हो जाएगा, लेकिन हुसैन तेरी अजमत को सलाम। इमाम कासिम को उठाया है, अली असगर को अपने गोद में लिया है और गोद में लेकर खड़े हुए हैं। फरमाते हैं जालिमों इसका तो कसूर कोई नहीं है ना, मैं इतना कहा पानी तलब नहीं किया मेरे पाक हुसैन ने, बस बच्चा दिखाया है। उन लोगों ने कहा शायद हुसैन कुरान मेला कर रहा है। फरमाया जालिमों तुम्हारी नजर में अगर बफर्जे मुआल कोई कसूर है तो मेरा है, इसका तो नहीं है। इतना कहना था, हुरमला ने तीर मारा और अली असगर के हुलकूम से पार हो गया और इमाम अली मकाम ने उस तीर को निकाला, वो 6 माह का बच्चा आपकी गोद में दम तोड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। औलाद वाले बैठे हो, 6 माह का बच्चा जो हुसैन की गोद में था, अब फिर कहते हैं लोग कि यजीद का कसूर नहीं है, यजीद का कसूर नहीं है। इतने जुल्म करने के बाद, इतने जुल्म करने के बाद इमाम हुसैन को शहीद करवाया, उनके बच्चों को शहीद करवाया, उनके खानदान को शहीद करवाया और हिजरी 63 के अंदर मदीना पर हमला किया। 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई, 3 दिन तक लूट मार उसकी फौज करती रही और उसकी सिपाही करते रहे, 3 दिन तक मस्जिद में अजान नहीं हुई बल्कि नौजवान बच्चियों की भी हुरमती होती रही। वो अल्फाज मैं जुबान पर नहीं ला सकता जो बदबख्त वो लोग करते रहे। फिर यहाँ तक बात खत्म नहीं है, उसने मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला कर दिया। जब मक्का पर हमला किया तो उस यजीद पलीद की फौज ने गिलाफे काबा तक जला दिया। अब भी हुसैन, अब भी यजीद को बचाना चाहते हो
उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हो, उसको जन्नती कहते हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती जिसने मदीना पर हमला किया। हुजूर ने फरमाया जिसने मदीना पर हमला किया और उनको फरमाया डराया, उसने उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। और ये तो नबी का घराना था, नबी के घराने को भी शहीद किया, नबी पर भी हम मदीने पर भी हमला किया और मक्कतुल मुकर्रमा पर भी हमला किया। आओ फिर भी यजीद को तुम पैदाइशी जन्नती कहते हो, यजीद पर लानत से गुरेज करते हो। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह सब कह दो, लानतुल्लाह अलैकुम। मैं बरमला कह रहा हूं कि जो काम यजीद ने किए अगर मैं उनको दोहराऊं, मेरी जुबान इस काबिल नहीं, मैं कैसे लड़खड़ाती है, कैसे बयान करूं उसने कितने जुल्म सितम उठाए। हुसैन अली मकाम, अली असगर, अली अकबर, औन मोहम्मद, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली और इमाम हसन के लाल और भी थे जो कि सिहाबा के नाम पर थे, इन सब को शहीद करवाया। अब हुसैन ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबे में आपने फरमाया कि जालिमों मैं खुद नहीं आया, तुमने खुद बुलवाया, तुमने मुझे खुद बुलवाया। अब मेहमान के साथ ये सलूक करते हो, बजाय पानी देने के तुम तीर दिखाते हो, तलवार दिखाते हो, नेजे दिखाते हो और दूर से वार करते हो और हमें सताते हो। इमाम अली मकाम ने इत्माम हुज्जत के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया और साथ ही फरमाया कि लोगों मुझे देखो मैं कौन हूँ, इब्ने रसूल हूँ, मैं इब्ने रसूल हूँ जिसका कलमा पढ़ते हो। उनमें हाफिज कुरान भी थे, जेकर दीन इलम वच होंदा सर नेजे क्यों चढ़ते हो, 70,000 जो आलिमा अगे हुसैन दे मरदे हो, जेकर मंदे बैत यजीदी ते सर नेजे क्यों चढ़ते हो। इमाम हुसैन अगर यजीद की बैत मान लेते तो फिर ये ना होता, तो इमाम हुसैन ने कहा सब कुछ मैं दे दूंगा लेकिन मैं फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। बोलो फासिक के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, बल्कि कहा मैं उस तलीज को वोट नहीं दूंगा जो शराबी है, जो फास्को फाजर है, शरीयत की हदों को पामाल करने वाला है, मैं उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। दोस्तान मोहतरम, अब सुनो, यहां तक मैं आपको लाना चाहता था, ये मैंने मुख्तसर सी शहादतें बड़े मुख्तसर वक्त में, शॉर्ट वक्त में मैंने बयान कर दी है, अली असगर की, अली अकबर की, इमाम कासिम की। अब औन मोहम्मद हैं, दीगर अहले बैत हैं, अबू बकर बिन अली हैं, उस्मान बिन अली हैं, हजरत अब्बास हैं, ये सब ने शहादत का जाम नोश किया है। बोलो सब ने शहादत का। इमाम अली मकाम अब घर में गए ना, घर से मुराद वो खैमा जो था, खैमे में गए, हजरत ज़ैनुल आबिदीन आप तैयारी फरमा रहे थे, उठते थे तो गिर पड़ते थे, तैयारी हो रही थी, बाबा जान मैंने मैदान में जाना है। आपने फरमाया बेटा मेरी नस्ल आपसे चलेगी, ये हुसैन की करामत है। यजीद हुसैन की नस्ल को मिटाना चाहता था, लेकिन आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैनी सादात कितने हैं पूरी दुनिया में। इन्ना आतैना कल कौसर की आप तफसीर पढ़ के देखें, आपको हुसैनी सादात मिलेंगे। ये सारा फैजान इमाम हुसैन का है। अब आपने फरमाया बेटा आपसे मेरी नस्ल चलेगी, आपने अहले बैत अतहार की बीबियों को आपने मदीना शरीफ ले जाना है, वहां तक आपने पहुंचाना है और ये सारी ड्यूटी आपने अंजाम देनी है। इमाम अली मकाम ने बेटे को रोका, बेटा फिर भी कहता है बाबा मैं आपका लाशा तड़पते हुए नहीं देख सकता, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ, जहाँ दीगर मेरे भाई गए मैं भी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। इमाम अली मकाम ने उस बेटे को सीने से लगाया, ये आखिरी मुलाकात थी बाप और बेटे की कि बेटा मुझे गौर से देख लो, फिर बाबा हुसैन नजर नहीं आएगा। खैमे में गए, सब सादात को बुलाया, बीबियों को बुलाया, सैयदा जैनब सलामुल्लाह को बुलाया, फरमाया आओ अपने वीर की जियारत कर लो, तुम्हें थोड़ी देर के बाद हुसैन नजर नहीं आएगा। सारा काफिला, सब बीबियां रो रही थी, आंखें अश्कबार थी,
रोना बेसब्री नहीं है। मैं पहले भी तो दैर दर्श में कहा करता हूँ, ये रोना बेसब्री नहीं है, वावेला बेसब्री है, हाय वाय बेसब्री है, बाल खोलना बेसब्री है, मातम बेसब्री है, लेकिन रोना बेसब्री नहीं है।